नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। घर से लेकर बाजार तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में प्याज टमाटर के बढ़ते भाव हैं। टमाटर की महंगाई से जनता को कुछ राहत हुई तो अब प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं, जिसने जनता की टेंशन बढ़ा दी है। कुछ समय पहले प्याज की फुटकर कीमतें शहर के सभी इलाकों में एक साथ बढ़ी और 60 रुपए तक पहुंच गई। वहीं राजधानी लखनऊ में प्याज की महंगाई को देखते हुए सब्जी मंडियां भी खाली दिखाई दे रही हैं। ग्राहक अब एक किलो की जगह 250 ग्राम प्याज खरीदकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर आज की खबर के संवाददाता ने हजरतगंज के नरही सब्जी मंडी का जायजा लिया। प्याज के बढ़ते दामों को लेकर हम पट्टी दुकानदार से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इनको प्याज महंगी होने के बाद क्या दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ इसी तरीके से एक दुकानदार मौजूद हैं, पट्टी दुकानदार, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि लाने में क्या दिक्कत आ रही है और ग्राहक को लेकर क्या समस्या है। क्या नाम है भैया आपका? साबित अली। प्याज जो है मंडी में महंगी हो गई, यहाँ पे लाते हैं, किराया भाड़ा लगता है, पाव और बिकती है। महंगे कारण में जो है प्याज दुकानदारी नहीं होती, कस्टमर नहीं है। टमाटर भी पहले महंगा हुआ था, टमाटर महंगा हो गया, 200 रुपए किलो था, 50 रुपए पाव में, फिर भी मंडी से लाओ किलो खाण खराब निकल जाता है, पैसा नहीं आता उसमें। तो इसी तरीके से प्याज महंगी हो गई है तो क्या मतलब ग्राहक आ रहा है कि क्या दिक्कत आ रही है? ग्राहक आ रहे हैं, जिसको पाव भरा एक किलो लेना है तो आधा किलो लेता है, जिसको आधा लेना पाव लेता है, पाव और बिकती है। तो इससे आपका कुछ नुकसान या कुछ फायदा? नुकसान उसमें एक कट्टे जैसे 50 किलो प्याज भेज दो, 3 किलो प्याज उसमें खराब निकल जाती है, सड़ी निकल जाती है। 20 रुपया 10 रुपये पल्लेदारी, 20 रुपये किराया भाड़ा, उसमें पैसा नहीं आता है। मगर दुकान में लाना जरूरी है कि जैसे 50 किलो लाना है तो साले 20 किलो लाएंगे। तो ये दिक्कतें लखनऊ इलाके में भी है और जगह भी होंगी? मंडी में है और लखनऊ में भी है, मंडी में ज़्यादा है, खराब प्याज ज़्यादा निकल रही है बोरियों में। आप कौन सी मंडी से लाते हैं सामान? यहाँ गल्ला मंडी से। ये थे हमारे शाह इरशाद जी, जिन्होंने बताया कि प्याज यहाँ तक लाने में कितना नुकसान भी झेलना पड़ता है, उसके बाद ग्राहक की कमी होने के चलते नुकसान भी उठा रहे हैं। प्याज के बढ़ तो टमाटर के बाद अब प्याज के भाव भी आसमान छू रहे हैं, जो जनता की जेब पर असर डाल रहे हैं। वहीं जो सब्जी मंडियां हैं वहां पर भी अब ग्राहक लुप्त होते नजर आ रहे हैं। जो प्याज की ज्यादा लेते थे वो अब प्याज कम लेने लगे हैं, जिसकी वजह से ग्राहक और दुकानदार सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये जायजा लिया था संवाददाता ने, समीर खान ने, हजरतगंज के नरही सब्जी मंडी का, जहां पर ग्राहक की कमी देखी जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।